अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हम जो है आज कॉपी वर्क करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपके पेज नंबर 90 पे एक्सरसाइज है। और आपको तरीका पता है कि हम कैसे काम करते हैं, तो सेम वही है, क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, आंसर्स भी जो है वो मैंने यहाँ लिखे हुए सामने, तो आप यहाँ से इसको रीड करते जाए, मैं साथ साथ रीड करता जाता हूँ, आप भी देखते जाए और यहाँ से आंसर नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 1, राइट 5 रीजंस फॉर डिक्रीजिंग ऑफ फॉरेस्ट। पेज बुक के पेज नंबर 81 पे भी आंसर है, अगर समझना है तो वहां से भी आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ, आप देखते जाए। सम इम्पोर्टेंट रीजंस आर गिवन बिलो, एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, डिक्रीज इन रेनफॉल, डिजीज ऑफ ट्रीज, ब्रेकिंग आउट ऑफ फायर इन फॉरेस्ट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज लोकेटेड बिटवीन लैटिट्यूड 23.5 एंड 37 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 61 डिग्री एंड 77 डिग्री ईस्ट। इंडिया लाइज इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, चाइना इन द नॉर्थ, वाइल अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ईरान इन द वेस्ट। द अरेबियन सी इज इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। पेज नंबर 53 पे अगर आंसर समझ ना आ रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेज नंबर 3 पे लोकेशन ऑफ पाकिस्तान की हेडिंग है, वहां से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट 5 कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। पेज नंबर 85 पे जो है वो इसका आंसर है। मेन कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर एज अंडर। नंबर 1, रिलीजिंग यूज वाटर ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप एंड यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। नंबर 3, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सच एज अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स। नंबर 4, सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। नंबर 5, हीप्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच माउंटेन रेंज रुजी पास एंड गोवाल पास आर सिचुएटेड। पेज नंबर 60 पे इसका आंसर है, और ये लास्ट जो है वो इसकी एक आध लाइन मिस हो गई है, जो पिक्चर में नहीं आ सकी, तो आप वहां से इसको देख लीजिएगा। द माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस इन द साउथ ऑफ रिवर कुरम अलोंग पाक अफगान बॉर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और इससे आगे जो है वो आंसर आप पेज नंबर 60 को जो है वो देखें, तो वहां से आपको जो है ये वजीरिस्तान हिल्स की हेडिंग है, तो उसके अंदर जो है ये आपको आंसर मूरा जो है वो मिल जाएगा। जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पेज नंबर 83 पे भी इसका आंसर आप देख सकते हैं। आंसर है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, write the names of 5 glaciers located in Pakistan. Siachen, Baltoro, Biafo, Hispar, Remo and Batura etc. are among huge glaciers of Pakistan. Iska answer agar aap book se dekhna chahte hain to page number 69 pe iska answer jo hai wo question number 6 ka maujood hai. Question number 7, what are hazards our environment nowadays? Book pe iska answer page number 80 pe hai. Our environment is facing following major hazards: salinity and water logging, number 1, number 2, deforestation, number 3, desertification, number 4, increase in environmental pollution. ठीक है, question number 8, next page पे है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। Question number 9, which is the famous peak in the greater Himalayan range? तो इसका जो है वो answer यहाँ ही लिखा हुआ है, नांगा पर्वत। तो पूरा आंसर आप लिख लेंगे, नांगा पर्वत इज द फेमस पीक इन द ग्रेटर हिमालयन रेंज, और बस काफी है इसका आंसर यहीं तक। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेम्स ऑफ 5 नेचुरल रीजंस ऑफ पाकिस्तान। इसका आंसर है आपका पेज रीजन हैविंग लैटिट्यूड रिलीफ एंड स्ट्रक्चर क्लाइमेट वेजिटेशन लाइफ स्टॉक एंड वेज ऑफ लिविंग। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट यहाँ से लिख लें। पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग नेचुरल रीजंस, प्लेन रीजंस, डेजर्ट रीजंस। एक मिनट मैं आपको इसको बताता हूँ, पेज नंबर 74 पे इसका आंसर है। अच्छा, डेजर्ट रीजंस, कोस्टल रीजंस, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजंस, ड्राई एंड सेमी ड्राई माउंटेन रीजंस। तो ये आप जो है वो पेज नंबर 74 देख लें, इसके भी लास्ट से जो है वो आंसर कट हो चुका है, तो ये आपको वहां जो है इसका आंसर पेज नंबर 74 पे द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ नेचुरल रीजंस ऑफ पाकिस्तान इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हम पेज नंबर 90 पे है क्वेश्चन नंबर 8।
डिस्क्राइब 5 स्टेप्स टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बुक में नहीं है, ठीक है, ये आंसर अपने पास ही आपको लिखना पड़ेगा, ये मैंने लिख दिया, यहाँ से आप ये आंसर नोट कर लें, ये बुक में नहीं मिलेगा। 5 स्टेप्स आर गिवन बिलो। नंबर 1, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, प्रॉपर प्लानिंग फॉर ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम, इंडस्ट्रियल वेज डिस्पोज प्रॉपरली, नंबर 4, पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड, नंबर 5, इंडस्ट्रीज शुड बी बिल्ड इन फार फ्लंग एरियाज। ठीक है, ये 8 का आंसर रह गया था तो वो मैं आपको बता दिया। तो ये पहले फर्स्ट 10 क्वेश्चंस है, इनको देख लें, फिर बाकी जो है वो हमारे 3-4 क्वेश्चंस और रह गए, वो फिर मैं आपको बाद में जो है वो मार्क करवा दूंगा। प्रॉपर कॉपी जैसे हम बनाते हैं, मार्जिन लगा के, डेट डाल के, और प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है।